कि तहरीके इंसाफ की से पहले की ईद क्या थी और तहरीके इंसाफ के बाद की ईद क्या है, ये पूछना चाहिए। बहुत मुख्तलिफ। आई थिंक बिकॉज ये मेरी फर्स्ट टर्म है एज अ पार्लियामेंटेरियन, तो ऑब्वियसली बिफोर दिस आई वाज अ बैरिस्टर, और वकील हमेशा लॉन्ग आवर्स वर्क करते हैं, बट इस किस्म की जो मसरूफियत है या इस किस्म की जो कमिटमेंट है या सर्विस है टू योर पॉलिटिक्स, इट्स डिफरेंट, और इसकी डिमांड भी बहुत डिफरेंट है। एंड सियासत में आने से पहले मैंने सोचा था कि इसके वर्किंग आवर्स डिफरेंट होंगे, इसकी कमिटमेंट डिफरेंट होगी, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि इस किस्म की कमिटमेंट रिक्वायर्ड होगी, बिकॉज आई थिंक पॉलिटिक्स रियली इज अ सर्विस। सो आई थिंक ये ईद मुख्तलिफ होगी, बट एक रिलीफ भी होगा, बिकॉज सिंस वी कम इन टू गवर्नमेंट बहुत मुश्किल टाइम देखा है। प्राइम मिनिस्टर का 100-day एजेंडा था, उस पर काम करना था, लीगल रिफॉर्म पे काम करना था, तो आई स्पेंट वेरी लिटिल टाइम विद माई फैमिली। अच्छा, अभी हमने बहुत कुछ पूछना है, म्यूजिक सुनती है नहीं सुनती, ड्रामा देखती है नहीं देखती, मूवी देखती है नहीं देखती, किताब पढ़ती है नहीं पढ़ती, ये दोनों से मैंने पूछना है, लेकिन मुशाहिद साहब आप शेर सुना दे, है ना? और मुशाहिद साहब को तो पूरे पूरे मतलब दीवान याद है। हाँ, वैसे किसी शेर से इब्तदा करें, इतनी खूबसूरत खवातीन बैठी हुई है आपके साथ मुझ समेत। सबसे पहले तो आज आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों और जो दुनिया भर में मुख्तलिफ खितों में मुसलमान बसते हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम, और ख़ास तौर से पाकिस्तान के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। ये इंतहाई सबसे अहम त्यौहार है, और ये इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है कि 30 दिन रोज़े रखते हैं, वो एक मतलब के इबादत है, थोड़ी सी मुश्किल भी है उसको कह लिया जाए अगर, उसके फ़ायदे भी हैं बहुत, और उसके बाद फिर जब वो फास्टिंग आपकी ख़त्म होती है तो वो ईद का एक एक, एक खुशी उस लिहाज से बाकायदा मुकर्रर है दिन, तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत है। जहाँ तक आपने कहा शेर से इब्तदा करें, तो वो अभी एक बात आप यहाँ पर हो रही थी तो मेरे जहन में एक शेर ये आया था कि ज़िंदगी के नर्ख इतने बढ़ गए, वाह, मौत का सौदा हमें सस्ता लगा, वाह वाह वाह। तो महंगाई की जब आपने बात की, वैसे को हम सोच रहे थे कि कोई आप हुस्न पे जमाल पे कोई लतीफ सा शेर सुनाएंगे, आप चाहती है डिस्ट्रैक्ट करें लोगों को। लतीफ नर्ख तो पहले ही सुन सुन के नर्ख नर्ख में जा चुके हैं। आपने बात स्टार्ट तो आप ही ने किए, वरना मेरे जहन में कोई और आता। अच्छा, वो सुना दे और वाला, और वाला और भी आ जाएगा। बात ये है, हमें रोती रहेगी, आप म्यूजिक चलाती रहे, हमें रोती रहे, चलाती रहे, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने जिस तरह से कहा कि सबसे ज्यादा आप ही हसीनो जमील है इस महफिल में, तो मैं इससे इत्तफाक कर मतलब अब आमद वही अब है आमद। पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाए खुसूसी प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आप हमें बताएं कि आप कैसे ईद मनाती हैं, चले हमें भी तो आपसे सवाल करें। मैं तो पता है क्या, मैं जब शादी से पहले की ईद और थी और शादी के बाद की ईद और है। अच्छा, तो माँ बनने के बाद और के बाद आपकी शादी से पहले और शादी के बाद, क्योंकि शादी से पहले सो के गुजारती थी और शादी के बाद जो है पहली दूसरी ईद तो मैंने सो के गुजारी, लेकिन जब से मेरे बच्चे हुए उनके कुर्ते उनको तैयार करना है टाइप की कोई चीज नहीं थी। नहीं, वो थी मगर वो इतनी स्वीट है कि कहा नहीं मुझे कि भाई तुम जरूर सुबह उठ के सबको जैसे होता है, तो मैं लेकिन मैंने चूंकि बड़ी शादी से पहले बड़ी एक इंडिपेंडेंट सी मैं होती थी तो दोपहर तक सोती थी, उसके बाद फिर जब बच्चे अब हो गए तो उनके कुर्ते तैयार करने, दोनों लड़के हैं उन्होंने नमाज पढ़ने जाना होता है अब्बा जान के साथ, तो फिर उनके साथ उसी तरह की तैयारी, ईद अपनी होती है। हाँ, वो एज है एग्जैक्टली। मगर मैं एक चीज मिस करती हूँ, अगर मेरी बेटी होती ना तो मैं उसको चूड़ियां पहनाती, मेहंदी लगाती, क्योंकि खुद मैं मेहंदी नहीं लगाती बहुत ज्यादा, हमें प्रोग्राम करने होते। आप लगाती हैं भाई मेहंदी? नहीं लगाती। अच्छा, मुझे मेहंदी पसंद है। अच्छा, मुझे पसंद है, लेकिन अब चूंकि वो कौन की मेहंदी होती है और मुजाहिद साहब की नॉलेज में इजाफा कर रही हूँ, होगा इनको काफी पता, लेकिन मुझे कौन की मेहंदी का जब रंग छूटता है ना तो बड़ा भद्दा हो जाता है, तो वो बड़ा भयानक लगता है, लेकिन उसकी खुशबू मुझे, उमूमन लोग कहते हैं हमें मेहंदी की खुशबू नहीं पसंद, मुझे बहुत पसंद है मेहंदी की खुशबू, तो लोगों को नहीं पसंद, मेरे अपने घर में नहीं पसंद लोगों को, मगर मुझे पसंद है। मैं तो कहती हूँ जी उसकी खुशबू एक यूनिक खुशबू, मेहंदी की खुशबू, किसी के हाथ की मेहंदी की खुशबू पसंद? मेहंदी की भी खुशबू पसंद है और किसी के हाथ की भी खुशबू, वो तो दो चांद हो जाता है। दो खुशबुओं जो है ना वो जब मिलती हैं तो उसका जो वो मतलब के
उसमें से जो निकलती है वो स्मेल, वो उसकी तो बात ही और। तो आप आशिक मिजाज भी हैं? नहीं, आशिक कौन नहीं होता, इश्क एक ऐसी चीज़ है जो हर एक के दिल और दिमाग में होती है, शर्त यह है कि दिल में थोड़ा सा दर्द होना चाहिए। क्योंकि इश्क जो है ना उसका दर्द से ताल्लुक है, तो वो जो तीर नीम कश होता है ना उसको बर्दाश्त करने का हौसला होगा तो इश्क होगा। आप तो हैं थोड़ी रोमांटिक? मेरा सितारा जो है वो कहते हैं कि वो उसमें जो ट्रेट्स हैं उसमें है रोमांटिक होना। आई एम अ लिब्रा। लिब्रा? वाह, अच्छा ओके। तो एक महीना पहले तो दो लिब्रा बैठे हैं, तो जी बिल्कुल मेरे सितारे का एक ट्रेट है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तो एक स्ट्रीक है जिसमें रंग है, जिसमें जान है, और अगर ये ले ले तो थोड़ा सभी तो फिर तो क्या है? मौसीकी, शायरी, फारिग औकात में सुनती है म्यूजिक? आई थिंक आई एंजॉय म्यूजिक, बट पोएट्री में आई लाइक परवीन शाकिर। कुछ याद भी है उनका? थोड़ा बहुत, बट आई डोंट रीड। मुझे एक याद है उनका, अच्छा, एक ऐसे शिकारी ने जकड़ा है मुझको कि खुद मैंने उड़ने की चाह कतर दी। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो आपको परवीन शाकिर, खवातीन शायरा शायरात भी पसंद है? शायरा थी, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन उसे जितना भी पढ़ा वो बहुत बड़ी। आप ज्यादा किसको पढ़ते हैं? मैंने फैस को, मतलब असल में फैस की मुझे एक बात पसंद है, मैं जालिब को भी पढ़ा है, मैंने साहिर लुधियानवी को भी पढ़ा है, मैंने मतलब गालिब को भी पढ़ा है, मीर तकी मीर को भी पढ़ा है, जिगर मुरादाबादी को भी पढ़ा है, बहुत सारों को पढ़ा है, लेकिन फैस थोड़ा सा। जोश मलियाबादी, यस, वो क्या बात है, मतलब जोश मलियाबादी से ज़्यादा अल्फाज का जखीरा किसी के पास नहीं था। ये बात ठीक है, बिल्कुल। लेकिन फैज मुझे पसंद इसलिए है कि वो जो बात सियासी करता है वो रोमांटिक वे में करता है। आप ये समझेंगे कि ये बड़ी रोमांटिक सीन नज़म या गजल है, लेकिन होती है एक्चुअली वो वियतनाम पे है या लबनान पे है, इस तरह की उसने शायरी की है, और उसकी शायरी में इनकलाब और वो मिक्स कर दिया। ओह, कमाल। वैसे हमारे तीनों मेहमानों में से एक, बल्कि बता ही देती हूँ आपको, गालिब आप सुनती है ना? मैं, मुझे गालिब। तो अगर हम कहें उस्ताद साहब से कि वो कुछ सुनाए तो आप क्या? चले गालिब के अलावा भी। गालिब की तो बहुत अशार है, गजलें हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, मुझे बताओ ये अंदाज गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, वहाँ कहीं से न टपका तो फिर लहू क्या है। और बहुत से हैं अशार। अच्छा, मुझे जब शाजिया ने कहा ना कि मैं गालिब मुझे बहुत पसंद है और पढ़ती हूँ, तो मैं ये सोची थी आप लोग कौमी असेंबली सेनेट में क्यों नहीं ऐसे बताइए अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। सेनेट में बात कर लेते हैं, हमारे यहाँ तो स्पीकर साहब बात ही नहीं करने देते, और खवातीन का तो खास, खवातीन का तो खास उन्हें अंदाज़े गुफ्तगू जो है पसंद नहीं है, तो वो तो उनको खास उन पे मेहरबान है, क्या वो अपना जवाब नहीं देते, बहुत कम कहाँ। मैं आपको फैज की एक नज़्म अगर आप सुनना है उस्ताद साहब से, आप उसे गौर कीजिएगा, क्या कमाल की नज़्म। उस पे वैसे ड्रामा मैंने कुछ देखा था, तो हर ड्रामे के किस्से से पहले ना वो बैकग्राउंड में उसका एक कथा सा चलता था, तो वो मैं नहीं हम भी खूबसूरत थे वो ये है कि पहला मिसरा मुझे याद आ जाए, पूरी नज़म याद आ जाती है, गूगल कर लेते हैं भाई गूगल। गर मुझे आगे आगे नहीं आगे गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, और गर मुझे इसका यकीन हो कि तेरे दिल की जलन, तेरी आंखों की उदासी, तेरे सीने की थकन, मेरी दिल जोई मेरे प्यार से मिट जाएगी, और गर मेरा हर्फ है तसल्ली वो दवा हो जिससे झूम उठे फिर तेरा सोया हुआ बेनूर दिमाग, तेरी पेशानी से धुल जाएं ये तजलील के दाग, तेरी बीमार जवानी को शफा हो जाए, रोजो शब शाम व सहर, मतलब अगर इन बातों का मुझे यकीन हो तो फिर मैं क्या करूं, कहता है कि रोजो शब शाम व सहर मैं तुझे बहलाता रहूं, और मैं तुझे गीत सुनाता रहूं हल्के शीरी,
आबशारों के बहारों के चमनजारों के गीत, आमद सुबह के महताब के सैयारों के गीत, और तुझसे मैं हुस्न मोहब्बत की हकायात कहूँ, कैसे मगरूर हसीनाओं के गर्म हाथों की हरारत से पिघल जाते हैं, और कैसे एक चेहरे के ठहरे हुए मानूस नकूश देखते देखते यकलख्त बदल जाते हैं, और किस तरह आरज़े महबूब का शफाफ बलोर यक बायक बादाए अहमर से दहक जाते हैं। क्या खूब, क्या खूब। और मैं यूं ही गाता रहूं तेरी खातिर, गीत बुनता रहूं। ये बुनने का ना, स्वेटर बुनना जो होता है, इसको सबसे पहले फैज ने इस्तेमाल किया शार के। गीत बुनता, मतलब गीत बुनता रहूं, बैठा रहूं तेरी खातिर, पर मेरे गीत तेरे दुख का मदावा ही नहीं, नगमा जर्राह नहीं मुनसिब अमखार सही, गीत निश्तर तो नहीं मरहम आजार सही, तेरे आजार का चारा नहीं निश्तर के सिवा, और ये सफाक मसीहा मेरे कब्जे में। क्या बात है। अच्छा, अब ये जो गीत की बात आपने की, सफाक मसीहा बाकायदा किताब लिखी गई है, ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया है सफाक मसीहा, मतलब के पर मेरे गीत तेरे दुख का मदावा ही नहीं, नगमा जर्रा नहीं मुनस गमखार सही, गीत निश्तर तो नहीं मरहम आजार सही, तेरे आजार का चारा नहीं निश्तर के सिवा, और ये सफाक मसीहा मेरे कब्जे में नहीं, इस जहाँ के किसी जीरूह के कब्जे में नहीं, हाँ मगर तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा। वाह क्या बात है, ये लवली बातें कर रहे हैं, बड़े मजे की, और अच्छा मौसम है, अच्छी कंपनी है आज। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी पसंद का म्यूजिक भी आपको सुनवाएंगे, और कुछ अच्छी शेर व शायरी भी, हमारे साथ रहिएगा। प्यार नहीं से जिसको वो मूर्ख इंसान नाज़रीन, हम ईद के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। कौन सा ज्यादा सिंगर कौन सा पसंद है, और राग कौन सा पसंद है? सिंगर देखिए कैफियत पे बहुत डिपेंड करता है, आपका मूड किस तरह के है, कभी गजल का मूड होता है, कभी गीत का मूड होता है, कभी तेज का, कभी हल्के, तो हर किस्म के मूड पर डिपेंड करता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं। कुछ गाने तो सदा बहार है, आप जब भी सुने, अब अभी आपने जो बजाया ये तो ऐसी चीज है कि आप सही बात है, कभी भी सुने आपको, आपकी कैफियत ना भी तो आप उस कैफियत में आ जाते हैं, तारी हो जाती है। जिसमें ज्यादा म्यूजिक हो, जिसमें राग हो, जिसमें सुर हो, एग्जैक्टली वो बहुत खूबसूरत सुर ज्यादा माने रखता है। जैसे नौजवान है उसमें जितने सुरीले नौजवान हैं, जैसे आतिफ असलम को लोग सुनते हैं, अली जफर को भी थोड़ा सा सुनते हैं, लेकिन ज्यादा आतिफ को सुनते हैं। आप किसको सुनते हैं? मैं तो ये अब आजकल के जो है इनका तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन माजी में मना डे का है वो जो उसका उसने जो कुछ गाया है वो बड़े सगीर के तमाम बड़े गायकों ने गाया, लेकिन वैसा नहीं गाया, वैसा नहीं गाया। अच्छा, मैं इस बात से एग्री करता हूँ बिल्कुल। सुनाइए जरा गा के। ये लागा चुनरी पे बेसिकली उसका है। अच्छा, और उसने 94 इयर्स की एज में भी गाया है इसको। अच्छा। बड़ी माशाल्लाह उनकी एज में, बड़े सगीर के। हाँ, फिर ये है की उसके बाद फिर ये नुसरत फतेह अली मुझे बड़ा पसंद आया, इसने स्पेशली जो फोक गाया ना कव्वाली, वो कमाल कर दिया। बिल्कुल, आप थोड़ा सा गुनगुनाए, फिर मैं सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक मैं सुनूंगी। फोक है ना, ब्यूटीफुल। आप अपना फेवरेट को सुना दे, फिर मैं वो सुनूंगी। मेरे काफी सारे हैं।
तमन्ना डे का सुना था। शाजिया भी सुनाएगी? नहीं मैं तो सुनूंगी, मैं सुनना चाह रही हूँ। लेकिन ये कौन सा राग था? माना तली मुझे बड़ा पसंद है, मुझसे पहली सी माना तली एमन और भोपाली के दरमियान दरमियान जी 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 बिल्कुल दोनों, ये कोई एक राग नहीं था, ये मिक्सचर है एमन और भोपाली को। उस्ताद अमानत अली खान का आप सुनाना चाह रहे हैं ये तो? हां प्यार नहीं है एकदम आजाद सुर में भी तो नहीं आ रहा कोई बात नहीं आ जाएगा सुर। प्यार नहीं है सुर से जिसको प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं प्यार नहीं जिसको। हाँ मुश्किल क्या है सुर इंसान बना देता है सुर इंसान बना देता है सुर सुर की आग में जलने वाले परवाने नादान नहीं प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान मैंने ये समझा कि आपने इसका जो नोट है पहला वो बहुत उसकी पिच बड़ी हाई रख ली लेकिन आप वहाँ पहुँच गए ये बड़ा अच्छा था कि बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा सा हम सब में उस्ताद ही नहीं मुझे शौक है मैंने आपसे कहा कि ये तो मेरे जो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है मैं क्रेडिट दूंगी उस्ताद मरहूम निजामुद्दीन साहब को। अब उस दुनिया में नहीं है लेकिन किसी से आदमी नॉलेज हासिल करता है तो उनसे मैंने नॉलेज बहुत उनकी जो एक थी और वो कहा करते थे कि गाना और रोना हर इंसान को अजल से आता है। तो कोई ये कहे कि मुझे गाना नहीं आता तो ये भी गलत है और मुझे रोना नहीं आता तो ये भी गलत है। तो आप तो ये बात जो है ना आता है मगर आप सुना नहीं ऐसा आता है वो अलग बात है लेकिन गाना हो जाए तो अच्छा है। मैं गाना तुम्हें गालिब के चंद अशआर है जो मैं सुर में बता देती हूं लेकिन बजा के नहीं। नहीं बजा के नहीं वैसे रैंडम में ठीक है गालिब के हैं हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं पायल जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। वाह 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 बस अब
आपको कोई शेर सुना देते हैं? शेर भी सही है। आई एम वेरी बैड लॉयर्स, जो वकील होते हैं ना बहुत बोरिंग होते हैं। कई वकला जो गाते होंगे वो माइंड कर जाएंगे। आपको पता भी होगा। तायरा सैयद सबसे बड़ी इतनी अच्छी लॉयर है। असल में एक जो बड़ी अच्छी बात शाजिया ने की ना कि रोना और गाना हर एक को आता है। अच्छा, इसके पीछे इसको फर्दर एलोबरेट करें ना तो वो बात ये है कि ये जो रिदम है ना, ये हर इंसान के अंदर अंदर है। जिंदगी से रिदम निकाल दे तो पीछे बचता क्या है? कुछ नहीं है। मैं इसका सबूत ये है, इसका सबूत ये है कि कहीं पर म्यूजिक बज रहा हो तो एक साल का बच्चा जिसको पता नहीं म्यूजिक क्या होता है, वो हिलना शुरू हो जाता है। इसका क्या मतलब है? एग्जैक्टली, इसका मतलब रिदम उसके अंदर मौजूद है, वो ऐसे हिलता है, वो उसके साथ पैदा हुआ है। थेरेपी है ये। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब तो साइंस ने एक थेरेपी है ये, बहुत चीजों में म्यूजिक को इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने इतने दलाल दे दिए म्यूजिक के, अब ये वकील साहब जरूर गुनगुना के सुना। इन्हें भी आता है, इन्हें भी आता है, आता है। ऐसी बात मैंने क्या कहा, गाना और रोना ये दोनों आता है। मलिका, ये तो बस मैं आपको एक शेर सुना रही हूं परवीन शाकिर का, व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। इट कम्स फ्रॉम वन ऑफ हर पोएट्रीज। इट सेज, मुमकिन फैसलों में एक फैसला हिजर का भी था, मुमकिन फैसलों में एक फैसला हिजर का भी था, मैंने तो एक बात की उसने कमाल कर दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। नहीं आता है ज्यादा। नाज़रीन, हमारा एक ये खूबसूरत प्रोग्राम मुझे इसलिए खूबसूरत लग रहा है क्योंकि इसमें सब कुछ है आपके लिए। एक आज का जो प्रोग्राम है ये हम खत्म करें, लेकिन हम यही प्रोग्राम, यानी इस तरह का एक और प्रोग्राम कल आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आपने कहीं जाना नहीं है और ये प्रोग्राम आपने ज़रूर देखना है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करें और आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। आपको अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और ख़ास करके हमसायों का बहुत ख्याल रखें ईद की खुशियों में। हमारे साथ रहिएगा, कल दोबारा मिलेंगे अपने इसी पैनल और कुछ खास म्यूज़िक के साथ। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।